नमस्ते दोस्तों, गाड़ी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग खड़े हैं आपके पसंद, हमारा पसंद और सबका पसंद इस रॉयल फील्ड स्टैंडर्ड बुलेट एक्स के सामने। और आज हम इसका फुल रिव्यू करेंगे और साथ ही बताएंगे कि ये आपके लिए बेस्ट है और आपको लेनी चाहिए कि नहीं। ये बहुत ही कम दाम में मिलता है इसका प्राइस पॉइंट, और ये सबसे फर्स्ट मॉडल आप देख सकते हैं बुलेट का। और आज हम इसका फुल रिव्यू करेंगे, उससे पहले सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल को, करके देखिए सब्सक्राइब, मजा आ जाएगा बहुत। गाड़ी जोन की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबाए। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबा के अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ये आपको पता चल जाए कि मैंने अपनी नई वीडियो कब डाली है। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। रॉयल फील्ड बुलेट स्टैंडर्ड एक्स न्यूली लॉन्च हुई है और इसमें आपको रॉयल फील्ड के तरफ से बहुत सारे एड ऑन फीचर मिलते हैं। इसका सारा ट्रीटमेंट ब्लैकिश कर दिया गया है, गाड़ी की लुक और इन्हेंस करती है। और ऑल द रॉयल फील्ड लवर्स, ये गाड़ी बहुत ही एक्सेलेंट वर्क करती है, स्टैंडर्ड, पहले से ही स्टैंडर्ड है उसका नाम से ही। और गाड़ी मार्केट रिस्पॉन्स बहुत अच्छा पकड़ा हुआ था पहले से ही, और अभी जो लेटेस्ट लुक है ब्लैकिश के साथ ये और ज़बरदस्त लग रहा है। ये बेस वेरियंट है रॉयल फील्ड स्टैंडर्ड एक्स का, और ये आपको पड़ जाएगी 1,32,000 एक शोरूम जमशेदपुर। आइए बैक से स्टार्ट करते हैं, और बैक में आपको नॉर्मल हेलोजन लैम्प मिल जाता है। ये स्टैंडर्ड वेरिएंट का लाइट इस तरह से मिलेगा, और सबसे बड़ा बात आपको यहाँ पे मिल जाता है इंडिकेटर्स जो ब्लैक में पेंटेड किया गया है। ये अभी से आ रही है जो एक्स मॉडल है स्टैंडर्ड एक्स में, ये न्यूली लॉन्च हुई है। और ये नंबर प्लेट मिल जाता है यहाँ पे, और ये रिफ्लेक्टर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको ब्लैक ग्लॉसी का गार्ड मिलता है, और ये है ब्लैक ग्लॉसी में रॉयल फील्ड का स्टिकर ये है, और सीट में भी आपको रॉयल फील्ड का लोगो मिलेगा। और ये ओनर ने अपने मन से कराया है आर्मी कलर का। और ये है स्टैंडर्ड बुलेट का ओरिजिनल साइलेंसर, उसके बाद आप अपना अपग्रेड करा सकते हैं आपका पसंद में। और ये है सस्पेंशन सेटअप बुलेट का जो बहुत ही एक्सेलेंट वर्क करता है, और ये ग्लॉसी ब्लैक में आपको मिलेगा, यहाँ स्टिकर मिलेगा बुलेट 350। इसको खोलने के बाद यहाँ आपको फिल्टर मिलेगा, पहले सिल्वर में आता था अब ये ब्लैक कर दिया गया है। और पूरा इंजन बे आपको क्रोम और सिल्वर का फिनिशिंग के साथ मिलता है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक का फिनिशिंग मिलेगा, और अगर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक स्टार्ट होता तो आपको पूरा ब्लैक का फिनिशिंग मिलता है यहाँ पे, लेकिन ये स्टैंडर्ड किक स्टार्ट है तो यहाँ पे आपको किक मिलेगा जो बहुत ही ज़बरदस्त किक है, आपको पहले से पता ही होगा। और सेल्फ आपको यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया गया है। और ये बैक टायर देख रहे हैं, स्पोक व्हील मिल जाता है आपको, लेकिन ये ट्यूबलेस टायर नहीं है, 18 इंच के टायर के साथ आपको यहाँ पे फिनिशिंग के लिए ब्लैक का रिम में मिलता है। लेकिन ये आप देख रहे हैं ये आरएलपी सेंसर है बुलेट का, एबीएस आगे में मिलता है, और ये है आपका आरएलपी सेंसर जो गाड़ी आप पैनिक ब्रेकिंग करेंगे तो आपका जो पीछे का टायर है वो अपलिफ्ट नहीं होगा। और ये आप साड़ी गार्ड देख रहे हैं, ये पार्ट ऑफ एक्सेसरीज आपको लगाना पड़ेगा बुलेट में। और ये है फुटरेस्ट, यहाँ आपको दो मिलते हैं उस तरफ दो। और ये है आपका 5-speed का वाला गियर, आगे एक और पीछे चार मिलेगा। और आइए यहाँ पे खोलते हैं इसको, और यहाँ पे आपको फ्यूज बॉक्स मिल जाता है, और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिलेगा आप पुट कर सकते हैं। और ये फर्स्ट एड किट बंद करते हैं, बहुत ही नॉर्मली कोई भी गाड़ी का देखेंगे सबसे बेटर वर्क ये करता है। आराम से चाबी डालिए, खोलिए, खुल जाएगा फोल्ड और बंद हो जाएगा। और ये हैंडल आपको मिलता है, और सबसे बड़ा बात टैंक का फिनिशिंग स्टिकर में किया गया है जो बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड फिनिशिंग आता है यह रॉयल फील्ड का। और ये पूरा स्टिकर का वर्क है, और बहुत ही स्मार्ट लग रहा है ये टैंक। आपको 3 कलर ऑप्शन मिल जाता है, ब्लैक, ब्लू और सिल्वर, ये 3 कलर मिल जाएगा। ये एड ऑन न्यू कलर आया है इस एक्स वेरिएंट में। और आइए सीट पोजीशन का बात करते हैं, आपको 2-zone सीटिंग मिलता है जो बहुत ही कंफर्टेबल है,
नहीं ये उतनी कुशनिंग नहीं है सीट की, लेकिन इसका सस्पेंशन जो सेटअप है इसके साथ मैच करके गाड़ी की कंफर्टेबल और बढ़ाता है, और ये लॉन्ग जर्नी के लिए बनी है, आप सिटी यूज़ के यूज़ कर सकते हैं सिटी में भी और लॉन्ग के लिए भी, जो बहुत ही ज़बरदस्त सीटिंग कुशनिंग एरिया है। इन्होंने हंस भी रहा है बहुत मेरा बात सुन के लोग। और बैक में पिलियन सीट भी बहुत ज़बरदस्त है सीट का डिज़ाइन, और यहाँ पे आपको कोई पैड उड नहीं मिलता एबनॉर्मल डैमेजेस के लिए। 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है आपको और माइलेज देगा 30 to 40। आइए इसको ऑन करते हैं, ये आप की देख रहे होंगे, इस तरह से की आप लोग जानते ही होंगे, और इसको ऑन करेंगे, सिर्फ 2 नॉट मिला है, ऑन करेंगे तो ये नया मीटर आया है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है और स्मार्ट लग रहा है स्टैंडर्ड के हिसाब से। और ये है रॉयल एनफील्ड का लोगो, रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ, ये आपको यहाँ पे न्यूट्रल का मिलता है न्यूट्रल, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको इंडिकेटर्स का, ये पास का, लाइट ऑन करेंगे जैसे तो ये ग्लो करेगा हेडलाइट लेवलर का, और यहाँ पे आपको फ्यूल का मिलता है रिजर्व लगने से, यहाँ ग्लो करेगा, और ये स्टैंडर्ड ABS का ब्लिंक करेगा, और ये आपका रॉयल एनफील्ड का लोगो जो ग्लो करता है, और यहाँ पे आपको कवर मिलता है, और यहाँ पे पहले आपको कवर प्रोवाइड किया करता था, अभी दिया था कवर प्रोवाइड किया गया था लेकिन अभी हटा दिए हैं ओनर ने, लेकिन मैंने बहुत सारे के देखे हैं बुलेट में कि 2 साल होने के बाद भी वो कवर लगा के रखते हैं बुलेट का। और आइए यहाँ का बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको पास का स्विच मिलता है, ये है हेडलाइट अपर डिपर का, ये ब्लिंकर मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हॉर्न बहुत ही ज़बरदस्त हॉर्न है, एक्सेलेंट वर्क करता है, और ये है इंजन किल स्विच, डिस्क ब्रेक का ऑयल यहाँ से मिलेगा, और इसमें ABS है तो बहुत ही प्रॉपरली वर्क करता है ब्रेकिंग सिस्टम बुलेट का। और आइए साइड का बात करते हैं, और नॉर्मली आप पहले से जो देख के आते थे ये पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है, और ये आपको स्टील का फिनिशिंग मिलता है यहाँ पे, ये आपका पार्किंग लाइट 2 मिल जाएगा, ये है हेलोजन लैम्प जिसका वेवलेंथ और व्यू पॉइंट गाड़ी का बहुत अच्छा है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्रंट नंबर प्लेट, और ये आपका स्टील में मिल जाएगा, नहीं पूरा स्टील का बॉडी है मड़गार्ड आगे का, और सबसे बड़ा बात टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और यहाँ पे लिखा हुआ ABS रिफ्लेक्टर्स, और ये है डिस्क विथ ABS। फ्रंट में भी आपको सेम साइज मिलता है टायर का, 19 इंच ट्यूब टायर, ये गाड़ी को ऑन करते हैं और इसका लाइट देखते हैं, जैसे ऑन करेंगे गाड़ी किक मारो समीर थोड़ा, बुलेट हमेशा से सबकी पसंद हुआ करती थी और ये अभी भी है, बरकरार रखती है, और रॉयल फील्ड का ये स्टैंडर्ड एक्स वेरिएंट जो है ये और स्टाइलिश लुक कर दिया गया है गाड़ी का। ऑल द बुलेट लवर्स, जिसके पास बुलेट है, बुलेट का जो स्वाद है वो अलग ही है, आप जितने भी महंगा गाड़ी चला लीजिए लेकिन बुलेट में जो सीटिंग पोजीशन है, बुलेट की जो चाल है वो किसी और गाड़ी में मिलेगी नहीं, जो रास्ता पकड़ के चलती है, जो चलाने का जो मज़ा है, और उसका साउंड, एक बार एक्सेलेटर मोड़ने के बाद वो गाड़ी जब इंजन हीट हो जाता है उसके बाद जो गाड़ी चलती है वो बहुत मज़ा आता है चलाने का, इसलिए बुलेट हमेशा से ही सबकी बेस्ट है, और अभी भी बुलेट बगल से पार होती है तो मैं खुद मुड़ मुड़ के देखता हूँ भाई कौन चला रहा है। ये इसका इंजन साउंड सुनते हैं, और ये एक किक में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, और ये है 346 cc BS4 टू सिलेंडर एयर कूल्ड कॉन्स्टेंट वैक्यूम कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 19.8 bhp और 28 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। अगर आपको एक रिलायबल टू व्हीलर चाहिए तो आप इसे ले, क्योंकि ये आपकी साथ हमेशा देगी, कोई भी सिचुएशन में नहीं छोड़ेगी। बुलेट 350X रॉयल फील्ड का सारा प्रोडक्ट हिट है मेरे तरफ से, सुन लीजिए, और मैं स्पेशली प्रेफर करता हूँ रॉयल फील्ड।
मेरा वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारा और आपका चैनल गाड़ी जोन।